तो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू मेगाजॉर्ड एक्स। एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेंटन यूनिवर्स की पावर्स के बारे में, यानी कि हमारा फेवरेट बेंटन यूनिवर्स कितना पावरफुल है, अगर किसी और यूनिवर्स से बेंटन यूनिवर्स की फाइट होती है तो इस फाइट का विनर कौन होगा। तो यार, अपने फेवरेट बेंटन यूनिवर्स के बारे में और उसकी पावर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो यार प्लीज, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। तो यार चलो, एक छोटे से इंट्रो के साथ इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रीट लेवल के कैरेक्टर्स से। ये कैरेक्टर्स आराम से किसी भी प्लेनेट तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लेवल के कैरेक्टर्स हैं जैसे कि बिल गैक्स, अल्टीमेट एग्रेकर, ग्वेन एंड चार्म कैस्टर, जो कि आराम से किसी भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं मेटा लेवल की। मेटा लेवल पर आते हैं ऐसे कैरेक्टर्स जो कि कई प्लेनेट्स को एक साथ इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। मेटा लेवल के कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि हाइब्रिड, जिनके पास इतने पावरफुल वेपन्स हैं कि उन्हें हाइब्रिड के अलावा कोई भी नहीं रोक सकता है। वर्डोना, एल्विडो विद अल्टीमेट ट्रिक्स, सर जॉर्ज एंड हाइब्रिड, जो कि आराम से कई प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हेराल्ड लेवल की। ये ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो कि टाइम पर कंट्रोल करते हैं, टाइम के साथ खेल सकते हैं। हेराल्ड लेवल के कुछ कैरेक्टर्स जैसे कि इओन, मेल्ट्रुएंट एंड प्रोफेसर पैराडॉक्स किसी के भी फ्यूचर या पास्ट को चेंज कर सकते हैं। मेल्ट्रुएंट की पावर को तो आपने अच्छी तरह से देखा है, और इओन की टाइम रेज इतनी पावरफुल है कि बेंटन के एलियंस को भी डिस्ट्रॉय कर देती है। और जहां प्रोफेसर पैराडॉक्स टाइम ट्रैवल की वजह से अमर हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता है। तो अब बात करते हैं स्काई फादर लेवल की। ये आराम से गैलेक्सीज तक को या यूनिवर्स तक को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्काई फादर्स लेवल के कुछ पावरफुल कैरेक्टर्स हैं जैसे कि बेंटन 1000, डेकोन, नालजियन एंड क्वांटिमिलिया, जो कि आराम से किसी भी यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब बात करते हैं सेलेस्टियल लेवल की। इस लेवल पर आता है गैलेक्टिक ग्लैडिएटर, जो कि इतना पावरफुल है कि पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय या क्रिएट भी कर सकता है। इसे डिफीट करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये एक सेलेस्टिसेफियन है, इसे एक सेलेस्टिसेफियन ही डिफीट कर सकता है। अब बात करते हैं गॉड लेवल की। गॉड लेवल की बात हो रही है तो ये गॉड नहीं है बेंटन यूनिवर्स के, गॉड से कुछ लेवल छोटे हैं। गॉड लेवल के कैरेक्टर हैं स्टारवेड, जो कि यूनिवर्स या गैलेक्सी को नहीं बल्कि मल्टीवर्स तक को डिस्ट्रॉय या क्रिएट कर सकते हैं। भाई पूरा बेंटन यूनिवर्स इनके कंट्रोल में रहता है। हम ये तो नहीं कह सकते कि ये बेंटन यूनिवर्स के गॉड हैं, लेकिन इनके कंट्रोल में रहता है। भाई स्टारवेड सेलेस्टिसेफियन के एक हाई कमांडर हैं, जो कि कभी भी किसी से भी फाइट कराने के लिए सेलेस्टिसेफियन को बुला सकते हैं। स्टारवेड के हैंड में एक वेपन भी है जिसके बारे में हमें बताया नहीं गया है कि वो कितना पावरफुल है। तो फाइनली अब बात करते हैं फाइनल लेवल, यानी कि सुप्रीम विंग लेवल। इस पर आता है एलियन एक्स। इसके सामने कोई भी कुछ नहीं है, ये ओमनीवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकता है। एलियन एक्स ने यूनिवर्स को क्रिएट किया है, गैलेक्टिक ग्लैडिएटर जैसे पावरफुल सेलेस्टिसेफियन को डिफीट किया है, और एनआई लार्ग से भी इसे कुछ नहीं हुआ था। अभी तक बेंटन यूनिवर्स में सबसे पावरफुल एलियन एक्स है, इसलिए इस लिस्ट में सुप्रीम विंग लेवल पर भी एलियन एक्स आता है। तो यार, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट में हमें जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो यार आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।